हेलो एवरीवन, ये है S22 अल्ट्रा। इस स्मार्टफोन के बारे में मैं आज आपको फुल कैमरा के डिटेल है, फीचर्स है और इस स्मार्टफोन के जो बेस्ट फीचर्स है उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, जिनको जानने के बाद में आप खुद बोलोगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से करते हैं स्टार्ट इसके कुछ हिडन फीचर्स, जिनको जानने के बाद में मजा तो आने वाला है ही। इसके अंदर आपको नीचे की साइड में एस पेन देखने को मिलता है, जिसको आपको यहाँ पर सिंगल टैप करना है और यहाँ से आप एस पेन को निकाल सकते हो बाहर की तरफ है। और गाइज, ये वाला एस पेन काफ़ी मज़ेदार है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये वाला हमने स्मार्टफोन को ऑन कर रखा है, एस पेन के ऊपर आपको बटन देखने को मिलता है, जब आप इसको होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे तो भाई इसके अंदर जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, इस मोबाइल के साथ में बैठकर हम दूर से बैठे बैठे जूम करेगा रे बाबा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, होल्ड एंड प्रेस करके बटन को दबाकर इस तरीके से राउंड करना है आपको और जूमिंग होने लग जाएगा, और बैक उल्टा करने पर वह जो कि जूमिंग बैक हो जाएगा। तो दोस्तों कमाल की ट्रिक्स है ना। अगर सेल्फी फोटो क्लिक करनी हो तो डबल बार टैप करें और भाई यह आपके सामने सेल्फी कैमरा ओपन हो चुका है, और फोटो क्लिक करने के लिए सिंगल टैप करें और ये सेल्फी आ चुकी है भाई। गैलरी में भी जाकर स्लाइड कर सकते हो, इसका सेल्फी कैमरा तो काफी कमाल का है। इसके कैमरे में मेरे को खास बात यह लगी, इसके अंदर आपको यहाँ पर फ्रेमिंग लाइन जो एडजस्ट कर सकते हो अपने आप पर, जैसे कि मैंने इस स्मार्टफोन के अंदर फ्रेमिंग लाइन को ऑन कर दिया और फिर भाई लेफ्ट के अंदर होता हूँ तो अपने आप फोकस आ जाता है, राइट के अंदर भी अपने आप फोकस। ये वाली ट्रिक्स कमाल की लगी, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर करके दिखाता हूँ। इसको ऑन करने के लिए वीडियो मोड ऑन करना है, फिर यहाँ पर लेफ्ट में कॉर्नर में दिखेगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, क्लिक करके वीडियो ऑन कर दीजिएगा। अब आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि आप जहां कहीं पर भी होगे वही आपके ऊपर अच्छे से फोकस बना लेगा। एक वीडियो में आपको S22 अल्ट्रा की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, जैसे कि भाई मैं इसमें बैक जाता हूं, बैक जाने के बाद में अपने आप काफी अच्छी तरीके से फोकस करता है। और गाइस, जैसे कि मैं यहां पर लेफ्ट के अंदर जाता हूं तो भाई लेफ्ट के अंदर और राइट के अंदर राइट में, तो फोकसिंग तो बड़ा ही कमाल का है, फ्रेमिंग लाइन काफी अच्छे से सेटअप करता है। अगर आपको किसी का भी कॉल आता है तो आप ऐसी वीडियो बनाकर स्क्रीन पे लगा सकते हो, किसी का कॉल आएगा तो ऐसी लगेगी। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर गैलरी में जाना है, और गैलरी में जाने के बाद में आप कैसी भी वीडियो बना सकते हो अपनी खुद की, फिर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सेट एज वॉलपेपर पर, फिर यहाँ पर आपको कॉल बैकग्राउंड दिखेगा तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और किसी के भी नंबर पर सेट कर सकते हो यहाँ पर सेट एज कॉल बैकग्राउंड के ऊपर जाकर। और भाई जो यहाँ पर वीडियो का साउंड है उसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाली ट्रिक्स आपको कैसी लगी, अब मैं आपको इस पेंसिल एस पेन के कमाल दिखाता हूँ। इसको सिंपली बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगी, जहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद में एस पेन को इनेबल करना है जो हमने पहले से कर रखा है, और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको गूगल ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर टाइप करोगे, जो लिखोगे वो इसके अंदर सर्च बार के अंदर आ जाएगा, जैसे कि मैं S22 लिखता हूँ। अब मैं आपको इस कैमरे की दासू ट्रिक बताऊंगा, तो हम इसकी फोटो क्लिक करते हैं वाइड एंगल कैमरे में, और क्लिक करके मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। भाई ये टावर का है जो ऊपर से टूट चुका है, और इसका भी कलर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और ये हमने नया चश्मा खरीदा वो भी आप देख सकते हो। लेकिन आगे आने के बाद में पता चलता है ये जो पेंसिल वगैरह रखी हुई थी भाई फोटो को बिगाड़ रही है, इनको हटाना था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, फिर से फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट इरेज मिलेगा, तो अब आप चाहते हो उसको हटा सकते हो, कोई बात नहीं, जादूगर बना दिया जाए भाई। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्रॉप करना है, जूम करके क्रॉप करने के बाद में यहाँ पर नीचे की साइड के अंदर इरेज कर देना है, इरेज करने के बाद में और ये गायब। और यहाँ से फिर से चाहते हो भाई इसको टावर को ही हटा दिया जाए, तो यहाँ से इसके ऊपर भी क्रॉप करना है, और क्रॉप करने के बाद में इरेज करना है, सिंपली इरेज करने के बाद में ये भी गायब। फ्रेंड्स, इसका पोर्ट्रेट कैमरा बड़ा ही कमाल का है, 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है जिसमें पिक्सल्स वगैरह फटते नहीं है। और यहाँ पर आपको जो ये डॉट वाला निशान दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो फर्स्ट में तो आप इसमें बैकग्राउंड में ब्लर कर पाओगे फोटो के अंदर जब क्लिक करोगे, और यहाँ पर स्टूडियो लाइट, तो बैकग्राउंड में लाइट चेंज कर सकते हो अलग अलग। इसमें जो ये लाइट दिख रही है ये बैकग्राउंड के अंदर हो जाएगी, और सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसमें भी सेम यही देखने को मिलेगा, और ये है बैकड्रॉप। तो दोस्तों मैं आपको इसकी फोटो का भी क्लिक की जो मैं दिखाता हूँ, और ये कलर पॉइंट, जैसे कि ये वाली हमने कलर पॉइंट के अंदर क्लिक की, और गाइज मैं अब आपको दिखाता हूँ बैकड्रॉप, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। और जो यूट्यूबर होते हैं थंबनेल बनाने के लिए, उनके लिए तो ये ट्रिक्स और भी मजेदार है, अपने आप कस्टमाइज कर देता है, और कितनी अच्छी तरीके से कस्टमाइज करता है ये भी आप देख सकते हो साथ में डिटेल के साथ में। ये जो लॉक की मोनो थी ये उसके अंदर, तो ये वाली भी ट्रिक्स काफी अच्छी है। ये ब्लर वाली फोटो जो जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई डिटेल में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, तो पोर्ट्रेट कैमरा इसका कमाल का है गाइज। इसके अंदर ब्राइटनेस काफी अच्छी देखने को मिलती है डिस्प्ले में,
जैसे कि आप यहाँ से ऊपर की तरफ से स्लाइड कर ब्राइटनेस को तो फुल कर लेते हो, लेकिन गाइज अगर आप आउटडोर में यूज कर रहे हो धूप के अंदर, आप चाहते हो कि इसकी ब्राइटनेस और तेज करूँ, तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद में डिस्प्ले पर क्लिक करना है और यहाँ से जैसे कि आप ब्राइटनेस को फुल कर चुके हो, फुल होने के बाद के अंदर आपको नीचे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस और मिलती है जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल होने के बाद में ब्राइटनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि गाइज हमने रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दिया है और इस स्मार्टफोन का नाइट कैमरा ओपन करता हूँ, भाई बिल्कुल उजाला देखने को मिलता है। इसमें वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है, 1x 3x एंड 10x तक जूमिंग मिलता है नाइट कैमरे के अंदर भी। और गाइज इसके अंदर आपको फिल्टर्स वगैरह भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। नाइट में फोटो क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर टाइम दिखा देता है, कभी कभार तो है जो एक सेकंड के अंदर भी फोटो क्लिक हो जाती है अगर ज्यादा लो लाइट हो, या फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज टाइप देखने को मिलता है, जैसे कि भाई 2 सेकंड के अंदर फोटो क्लिक हो जाएगी। तो इसके अंदर आप एक साथ में 100 फोटो क्लिक कर सकते हो S22 अल्ट्रा में। तो एस पेन को सिंपली होल्ड एंड प्रेस करके बटन को दबाए रखना है और आप इसके अंदर जैसे कि ये वाली 100 फोटो क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूँ 100 फोटो हमने एक साथ में क्लिक की है वो, तो कैसी लगी ये जादू की पेन दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं।